आई थिंक प्लेयर्स को जीतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब जीत नहीं पाते तो एक फीलिंग जो होती है, आप जब वापस जाते हो ड्रेसिंग रूम में, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। रूम में जाते हो आप और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ मैच में क्या गलत किया और क्यों किया, ये वैसा नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है, तो वो एक फीलिंग अच्छी नहीं होती, मैं यही कहना चाहूँगा। और जब जीतते हो तो वो एक आत्मविश्वास ऐसा हो बन जाता है कि आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में से बाहर निकल आने की आपको शक्ति मिल जाती है। जब आप जीत रहे होते हो तो कोई भी चैलेंज आपके सामने आए, मैं एक अलग तरह का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये टेस्ट क्रिकेट का एग्जाम्पल है, मगर हम उस समय हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, हम वर्ल्ड नंबर वन थे टेस्ट क्रिकेट में, और उस समय हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, नेपियर में टेस्ट मैच थी, और हमें फॉल ऑन दिया गया था, दो दिन के ऊपर ज़्यादा टाइम बाकी था, मुझे लगता है सवा दो ढाई दिन बाकी थे, और उस समय हमें गैरी कस्टन ने यही कहा कि यही टाइम है, अगर आप जो अपना कैरेक्टर है और जो आपकी ग्रिट है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो सारी चीज़ें दिखाने का ये मौका है, कर दिखाओ। और हमने वो टेस्ट मैच ड्रॉ किया था, हमने ढाई दिन बैटिंग की थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब टीम जीत रही होती है तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और मैं टीम को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।